So let's look into the formula. What is the formula? How can you frame a sentence in a simple present tense? First of all, it is subject. Then we have is the verb with the first form of the verb with S, ES or IES. And then we have is object. Now, if we look into this, agar hum isko dekhte hain, to hum ye sochenge ki kahan par hamara S, ES ya IES aayega aur kahan par nahi aayega. To ye cheez hum pehle dekh lete hain ki kaun se subjects aise hain jinke saath hum verb ki first form lagate hain aur kaun se subjects aise hote hain jinke saath hum verbs ke saath S, ES ya IES lagate hain. So, let's look into what all subjects do we have. Hamare kaun kaun se subjects hote hain. Usually, hum subjects ko three parts mein divide kar sakte hain. First person, second person and third person. Ab first person kaun hota hai? First person yani ki jo bol raha hai. Agar is samay main bol rahi hoon, so I am the first person. Inko bhi hum aage singular aur plurals mein divide kar sakte hain. Singular means ek vachan, plural is बहुवचन. So अगर मैं अकेली बोल रही हूँ, सिर्फ मैं, so मैं first person हूँ, तो मैं I हूँ. लेकिन अगर मान लीजिए हमारा एक group है और हम सब की बात हो रही है, तो हम सब बात कर रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, तो in that case हम first person plural हुए, यानी कि we. उसी तरह से second person कौन होता है? Second person वो जिससे आप बात कर रहे हैं. जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, so आप second person है in this situation, in this case. So second person is you. You bhi singular aur plural mein hum divide kar sakte hain. Singular agar aap kisi ek jane se baat kar rahe hain, lekin agar main bahut sare logo se baat kar rahi hoon, to wo you becomes plural. Okay, agar hum ab inki baat karte hain, to usually jab hum verb ki s ya es form ya is form ki baat karte hain, that we use with the third person singular. हमेशा हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस, ईएस या आईएस लगाते हैं. अब अगर हम वर्ब की बात करते हैं, तो एक नॉर्मल केस में जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज अ प्लूरल फॉर्म, राइट? तो उसको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके अंदर एस, ईएस और आईएस को लगाते हैं. देन इट बिकम्स अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. और सिंगुलर फॉर्म हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज़ करते हैं और किसी के साथ भी नहीं यूज़ करते. बाकी सब के साथ, वेदर इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सब के साथ हम हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म, दैट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म, अ नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स लुक इन टू इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. देखिए, अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्या उनका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से हम उन्हें बना सकते हैं. सबसे पहले जो सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें एक नॉर्मल हम पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं. सेकेंड इज़ नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी नेगेटिव चीज़ की बात करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, होता, या मुझे नहीं पसंद, या कुछ भी हो सकता है, वो हम सेंटेंसेस में भी देखेंगे. लास्ट टाइप का सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्या है, या आपको ये पसंद है, नहीं है, जो भी है. ओके, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट वर्ब विद योर एस ई एस डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड योर ऑब्जेक्ट. अभी हमने देखा कि पहले इससे कि कहाँ पर हम एस ई एस लगाते हैं, हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस या आई एस लगा देते हैं. इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब साथ में नॉट लगता है, देन वी हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस में जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स को लगा देते हैं, उस केस में हम वर्ब्स के साथ एस ई एस या आई एस हटा देते हैं. क्यों, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. और ये भी बताते हैं आपको कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं और कहाँ पे कौन से यूज़ होते हैं.
लेकिन अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को, ये जो हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ था, इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं यहाँ पर. और अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या तुमको आइसक्रीम पसंद है, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो हिंदी में हम शुरू करते हैं क्या, उसके लिए हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं. एंड देन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. पहले हम ये देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं. इन किस केस में हम हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज़ करते हैं वो है हमारा डू एंड डस. सो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जिनके साथ हम वर्ब के साथ एस, ईएस या आईएस लगाते हैं, उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डस लगाते हैं. सो डस कम्स विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर और बाकी सब के साथ हम डू को यूज़ करते हैं. आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, बॉयज़ डू, कुछ भी उसके साथ हम हमेशा डू को यूज़ करेंगे. एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा डस को यूज़ करेंगे. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर डू के साथ हमने ई एस लगाकर उसको डस बना दिया है. इसीलिए जब हम डस को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के में यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो वर्ब के साथ हमने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में एस, ई एस या आई एस लगाया था वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा. ये एक बहुत कॉमन एरर है जो कई स्टूडेंट्स बोलने में, लिखने में, या कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये एरर्स आ सकता है, लाइक शी डजंट लिसन्स टू मी. सो डजंट में ऑलरेडी डज है और लिसन्स में भी एस लगा है. सो शी डजंट लिसन्स टू मी, ये एक एरर होता है. और कई लोग बोलने में फ्लुएंटली जब बोलने की कोशिश करते हैं उनको ये ध्यान नहीं रहता और वो एरर कर देते हैं, गलती कर देते हैं. यहाँ एस, ई एस के साथ यहाँ भी एस लगा देते हैं. सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, आपको एस, ई एस और आई एस नहीं लगाना है. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग. चलिए अब कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से बना सकते हैं. अगर मान लीजिए मैं सब्जेक्ट लेती हूँ, वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, राइट. तो जब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट गो टू मार्केट, राइट. एंड द क्वेश्चन विल बी, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट. सो इन दिस केस वी आर यूजिंग दिस. चलिए अब हम सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर को लेके एक सब्जेक्ट बनाते हैं. अब मान लीजिए हम थर्ड पर्सन की जगह ही, शी, जो आप चाहें वो ले सकते हैं. मान लीजिए मैं ले लेती हूँ गोविंद. सो अगर मैं कहती हूँ गोविंद, सो गोविंद एक जने का नाम है, इट इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो सेम सेंटेंस को मैं चेंज कर रही हूँ. सो गोविंद यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो की जगह गोज हो जाएगा, बिकॉज गोविंद इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. गोविंद गोज टू मार्केट. अब इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव करेंगे देन इट विल बी गोविंद, यस यू कैन ट्राई स्पीकिंग आफ्टर मी, गोविंद डज नॉट गो टू मार्केट. क्या गोविंद मार्केट जाता है, राइट. डज गोविंद गो टू मार्केट. अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जहाँ पर हमने डज लगा दिया है उस केस में हमने वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर कर दिया है, क्योंकि हमारा वर्ब जो है यहाँ पर, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑलरेडी एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, डज, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है. सो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा. ये एक बहुत कॉमन एरर है जो लोग, मिस्टेक है, एरर है जो लोग करते हैं व्हाइल राइटिंग, स्पीकिंग और इन योर एग्जाम्स. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक. वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक.
वो किताब नहीं पढ़ता है. He does not read a book. क्या वो किताब पढ़ता है? Does he read a book? So इस तरह से जब आप बहुत सारे sentences, जैसे एक sentence लेके उसको तीनों forms में डालेंगे, positive, negative and interrogative, तो आपके और sentences, आपके errors, आपका जो भी problems है वो clear हो जाएगा. And obviously आप एक छोटे sentences शुरू कर सकते हैं. I go to a market, आप धीरे धीरे उसको और complex कर सकते हैं. I go to market with my friend for shopping, for eating, कुछ भी. But अगर आपको confidence है, आप right away उनको complex कर सकते हैं, बड़े sentences बना सकते हैं. लेकिन अगर आपको confidence नहीं है या आपको लगता है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, start speaking in small sentences. That's the best way to improve your language. और सबसे आसान तरीका है, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे इस समय वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, अपने आसपास देखिए. आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी. जैसे हमने देखा था कि सिंपल टेंस किस लिए यूज़ होता है, टू गिव इन्फॉर्मेशन. तो आप किसी भी एक चीज़ को ले लीजिए. जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे रूम में यहाँ पे मान लीजिए एक पियानो है, तो मैं उस पियानो को डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि ये ऐसा है, ये मैंने इतने का लिया था, ये है, ये जो भी है, आप उसके बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए. छोटे 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 सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. और आप अगर रोज़ किसी भी दो चीज़ों को लेकर भी डिस्क्राइब करेंगे, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप बोल रहे हैं तो ये गलतियाँ आप रिपीट ना करें. सो दैट्स व्हाई आई सेड टेक टू थिंग्स इन अ डे. धीरे धीरे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं. तो अगर आप अपने घर में ही देखेंगे, आपको या जहाँ आप रह रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स यू विल गेट इट. तो दो दो करके भी बोलेंगे तो कितने सारे दिन उनको बोलने में या उनके बारे में बात करने में आपके यूज़ हो जाएंगे. एंड प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस लाइक दिस, ताकि आपके जो भी एरर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएं. अब जैसा हमने यहाँ पे देखा, डू नॉट एंड डज नॉट, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, डोंट एंड डजंट. और कई लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं तो उसकी अब हम देखते हैं कि आप उन्हें शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से आंसर कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू द शॉर्ट आंसर्स. अगर आपसे कोई पूछता है क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, तो कई बार हम हिंदी बोलते हैं हाँ पसंद है, या हाँ या ना. सो द सेम थिंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुमको आइसक्रीम पसंद है? अगर आपको पसंद है तो आप कहेंगे येस आई डू. आप ये नहीं कहेंगे येस आई लाइक आइसक्रीम, आप कहेंगे येस आई डू. और डू क्यों आया? क्योंकि आई जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. लेकिन हमने देखा था, जैसा कि सेंटेंसेस में देखा था, कि डज हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं. तो सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ होने वाली है. येस आई डू लाइक आइसक्रीम, आई डू. लेकिन अगर मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं कि डू यू लाइक बटर स्कॉच आइसक्रीम, I don't like a butterscotch ice cream. So, मैं कहूँगी no, I don't. Do not is a long form, लेकिन जब हम इसे short में बोलेंगे, हम बोलेंगे no, I don't. No, I don't. इस तरह से आप बहुत सारे questions को short में भी answer कर सकते हैं. अगर आपको long में answer नहीं देना है, and कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको answer देने की, especially in case of the tenses. Does he study mathematics? क्या वो mathematics पढ़ता है? No, he does not. Or no, he doesn't. So this is the short form that we are using here. No, he doesn't. अगर वो पढ़ता है, yes, he does. In that case, the answer will be yes, he does. Do people vote in elections? क्या लोग elections में vote करते हैं? Yes, they do. हाँ करते हैं. लेकिन मान लीजिए आप बोलें कि किसी एक जगह पर नहीं करते हैं या नहीं किया, तो नो दे डोंट. डू नॉट बिकम्स
don't. So, इस तरह से आप short में भी answers कर सकते हैं. Now, you can check our video, online video with the answers and the questionnaires, जिसमें कुछ errors भी हैं, किसमें कुछ fill in the blanks भी हैं, and some short questions and short answers also, जो कि अब हम इसके बाद check करने वाले हैं.